तो कुछ चीज़ों के नाम आपने सुने तो बहुत होंगे लेकिन उन्हें देखा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कंजंक्शंस। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने नाम सुने होते हैं, कंजंक्शन है या कनेक्टर्स है। एक होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का तो खैर कोई काम होता ही नहीं है। इंटरजेक्शन समझते हो? इंटरजेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ सेंटीमेंट्स और एक्सक्लेमेशन के काम आता है। तेरे पीछे ये चीज़ अबे अरे सुनो भाई, ये चीज़ एक्सक्लेमेशन में आती है और ऐसे इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इनका तो कोई मीनिंग हुआ ही नहीं, इंटरजेक्शन तो क्लियर हुआ? लाइव एग्जांपल लीजिए, चक्कर में मत पड़ी, इंटरजेक्शन क्लियर हुआ? तो इंटरजेक्शन तो छोड़ दिया, अब आते हैं कंजंक्शन पे। अरे इंजेक्शन नहीं भाई, कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। अब देखिए ये लिखा है इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, ये एक तोहफा है तुम्हारे लिए। तो यहाँ फॉर का मतलब हो गया लिए, के लिए, आपके लिए, इसके लिए, उसके लिए, यू है ना, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। यहाँ पर जो ये फॉर है ये प्रेपोजिशन है, ये आप जानते हैं। क्यों है प्रेपोजिशन? बस प्रेपोजिशन है फिलहाल इतना, क्योंकि फिलहाल प्रेपोजिशन की बहस नहीं, कंजंक्शन की बहस है। कंजंक्शन बोले तो ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं। इंटरजेक्शन तो क्लियर है वैसे वो वाला, ठीक ठीक ठीक। कंजंक्शन देखते हैं, देखिए कहा जाए आई एम हियर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, या मैं यहाँ आई हूँ, या मैं यहाँ आया हूँ। आई एम हियर फॉर यू कॉल्ड मी, चूंकि तुमने बुलाया था। आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में अगर फर्क देखें तो महसूस करेंगे कि यहाँ एक पूरा सेंटेंस है अपने आप में आई एम हियर, और यहाँ भी एक अपने आप में पूरा सेंटेंस है। तो इस फॉर का सिचुएशन ये है, पोजीशन ये है कि ये दो सेंटेंस के बीच में आया है और इन दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला फॉर कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। कुछ लोग इसे कनेक्टर भी कहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज़ को क्या कहते हैं। समझ रहे हैं? आप इस छिपकली को खरगोश कहने लगी तो ये घास चरने नहीं लगेगी, ये काम वही करेगी जो इसे करना है। तो आप इसे कंजंक्शन कहिए या कनेक्टर्स कहिए कोई ख़ास फर्क नहीं, बल्कि इस बेचारे को तो पता भी नहीं है फॉर को कि आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे कनेक्टर या कंजंक्शन कहते हैं। जैसे इस छिपकली को नहीं पता कि आप इसे छिपकली कहते हैं, इस बेचारी को पता ही नहीं। हाँ कुत्ते को पता होता है कि आप उसे कुत्ता कहते हैं। बहरहाल आई एम हेयर फॉर यू कॉल मी, तो यहाँ फॉर का मतलब है चूंकि। अब आप पहली नज़र में ये सोच रहे होंगे कि ओहो बिकॉज की जगह लग जाता है। बिकॉज में और फॉर में, मतलब बिकॉज में और फॉर में एक फ़र्क होता है। जब वजह मजबूत होती है तब बिकॉज लगता है, और जब वजह कमज़ोर होती है तब फॉर लगा दिया जाता है, या ज़्यादा मजबूत नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि आओ बाज़ार चल रहे हैं, अब आप कहने लगे कि सर आई कैन नॉट गो टू मार्केट फॉर माई क्लोथ्स आर डस्टी, मैं बाज़ार नहीं जा सकती हूँ या नहीं जा सकता हूँ जैसा आप चाहें, चूँकि मेरे कपड़े मैले हैं। ये वजह ज़्यादा मजबूत नहीं है। ज़्यादा मजबूत वजह अब बताता हूँ, मैं कहने लगूँ आओ बाज़ार चलते हैं, तब आप कहें कि सर आई कैन नॉट गो टू मार्केट बिकॉज आई एम इल, चूँकि मैं बीमार हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि चल पाऊँ। तो ये बीमार होना ज़्यादा मजबूत वजह है इन कंपैरिजन टू कपड़े मैले होने के। समझ रहे हैं? तो वहाँ फॉर लग जाएगा, यहाँ पे ये लग जाएगा। फॉर चूँकि के लिए इस्तेमाल होता है और ये कमज़ोर वजह के लिए होता है। तो फॉर के दो मीनिंग आपने देख लिए, जब प्रेपोजिशन के तौर पर होता है तो फॉर का मतलब होता है के लिए, ये आपको पहले से पता था, ये शायद आपके लिए कोई रिविलेशन हो, कोई नई बात हो। ठीक, आगे देखते हैं। एक और वर्ड है वो है बट। बट को इत्तफाक से आप कंजंक्शन के तौर पे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। देखिए कैसे, जैसे कहा जाए कि आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था, बट ही डिड नॉट कम, मगर वह नहीं आया। ये बहुत कॉमन सी बात है, जिन्हें बुलाते हैं वो आते नहीं हैं, और जिन्हें ना बुलाया जाए वो अक्सर आ जाते हैं। ये कंजंक्शन हो गया आपका। और यहाँ बट का मतलब पर मान लीजिए, परंतु मान लीजिए, इज दैट राइट? तो ये वाला आप जानते हैं, बट को आप एज ए कंजंक्शन जानते थे और फॉर को आप एज ए प्रेपोजिशन जानते थे, राइट? अब बट को एज ए प्रेपोजिशन समझिए कैसे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब निकलेगा अलावा। बट का मतलब क्या निकलेगा? अलावा। जैसे हम कह सकते हैं नन बट यू केम हियर, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और नहीं आया था। None but you came here। ऐसे भी कह सकते हैं कि I know nothing but English।
मैं कुछ नहीं जानता हूँ बट इंग्लिश, अलावा इंग्लिश के। तो जब कभी आप एक सेंटेंस के अंदर बट देखेंगे, देखिए ये एक ही सेंटेंस है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इट डज़ नॉट टेक द माइंड ऑफ डा विंची, कोई बड़ी बात तो है नहीं महसूस करना। तो जब आप एक सेंटेंस में बट देखोगे तो मतलब क्या निकालोगे? अलावा। और जब आप दो सेंटेंस में बट देखोगे तो वही मतलब निकालिए जो आप जन्म से निकालते चले आ रहे हैं अपने, बल्कि जन्म से पहले से मेरे ख्याल से। तो बट बोले तो परंतु, लेकिन, मगर, राइट, ये आपको पता है। और नन बट यू केम हियर, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं आया था, और वहीं से मेरा 1 किलो सोना चोरी हुआ है, लिहाजा आप पे गिरफ्तारी, ठीक है, नन बट यू केम हियर। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई नो नथिंग बट इंग्लिश, मैं इंग्लिश के अलावा कुछ और नहीं जानता। तो नन बट, नथिंग बट, के अलावा कुछ नहीं, के अलावा कोई नहीं, तो ये बट, इज दैट क्लियर? एक और वर्ड होता है, वो होता है आफ्टर। आफ्टर का क्या मीनिंग लेते हो बेटे? बाद में, इज दैट राइट? तो आफ्टर को भी आप कंजंक्शन के तौर पे जानते हो, आफ्टर को भी आप कंजंक्शन के तौर पे जानते हो। पहले इसे उतारो फिर देखते हैं। देखो ये लिखा है ही इज रनिंग आफ्टर मनी, और ये लिखा है ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, सही? आप जिस आफ्टर से वाकिफ हैं वो ये वाला आफ्टर है, वो ये वाला आफ्टर है, इसका मतलब है बाद, मतलब मेरे जाने के बाद वह आया, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, सही? ये लिखा है ही इज रनिंग आफ्टर मनी, क्या इसका मतलब ये निकालू कि वह दौड़ रहा है पैसे के बाद? तो क्या मतलब निकालोगे? वह दौड़ रहा है पैसे के बाद, क्या निकालोगे बताओ? पीछे। अच्छा, अगर देखा जाए तो बाद और पीछे एक ही बात है। मसलन रिहान, तुम संकेत कुमार के पीछे दौड़ो तो इसके बाद ही तो दौड़ोगे तुम, सोच के देखो। तो तकरीबन, बहरहाल इस कन्फ्यूजन में मत रहो, जब आप इसे एज ए प्रीपोजिशन देखें, एक ही सेंटेंस में देखें, देखो ये एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे ख़त्म हो गया एक वर्ड के बाद, जबकि यहाँ पूरा एक आगे सेंटेंस है, आई हैड गॉन, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब है ना, जबकि इधर बस एक वर्ड आके ख़त्म हो गया सेंटेंस आपका, इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई वर्ब नहीं, इट मीन्स दैट कि ये एक ही सेंटेंस है, इतना तो पता ही है आप। तो ये प्रेपोजिशन है आफ्टर, और यहाँ इसका मतलब है पीछे। तो आफ्टर के दो मतलब होते हैं, एक पीछे, एक बाद में। पीछे जब लगाएंगे, जब एक सेंटेंस में होगा प्रेपोजिशन के तौर पे, और बाद वाला तो आपको पता ही है। सिंस की बात करें, सिंस नाम सुना, सिंस तीन तरह से यूज़ हो सकता है। एक तो वही से वाला, मेरे ख्याल से शायद लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये कहा जाए आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू हटाइए आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आई हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतज़ार, आप लड़की होकर कर रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं? मर्दों की गुलामी से कब आज़ादी लेंगे? कर रही हूँ, बोलिए, डरिए मत। आई हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, चलिए मैंने आपके हिसाब से, लेडीज़ बस ठीक, कर रही हूँ। तो यहाँ सिंस का मतलब हुआ से, ये पता है। ऐसा भी तो बोला जाता है कि जब से तुम आए हो मैं परेशान हूँ, आई हैव बिन अपसेट सिंस यू केम, एक बार पढ़ाया भी था मैंने आपसे, आई हैव बिन अपसेट सिंस यू केम, देखिए आई हैव बिन अपसेट सिंस यू केम, जब से तुम आए हो मैं परेशान हूँ, ये एक सेंटेंस तो ये हो गया मेरे बच्चों, आई हैव बिन अपसेट, दैट्स राइट। और दूसरा सेंटेंस है यू केम, अब ये सेंस जो आपका बचा, ये कंजंक्शन हुआ क्या नहीं हुआ? इसका मतलब यहाँ पे निकलेगा जब से, सेंस वैन नहीं होती है जब से, कि अंग्रेजी खाली होती है सेंस, आई हैव बिन अपसेट सिंस यू केम, और वो जो था वो ये था कि आई हैव बिन वेटिंग, अच्छा याद है कुछ, सिंस मॉर्निंग, आप महसूस कर लीजिएगा क्या फर्क है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, और इसका मतलब से होता, इस वाले से वाकिफ थे आप, इस वाले से वाकिफ नहीं थे। तो सिंस को अगर दो सेंटेंस के बीच में देखोगे तो मतलब निकालना जब से, सिंस को अगर एक ही सेंटेंस में देखोगे तो मतलब निकालना से। मैंने आपसे कुछ बताया था सिंस के बारे में, क्या बताया था? कि सिंस के तीन मीनिंग हो सकते हैं, एक जगह और सिंस यूज़ होता है, और वो चूंके के तौर पे यूज़ होता है, जैसे फॉर यूज़ होता है, ये अक्सर शुरू में यूज़ होता है, और सिंस के बाद फिर अक्सर एज या सो आ जाता है, जैसे सिंस यू कॉल्ड, चूंके तुमने बुलाया था,
सिंस यू कॉल्ड सो आई एम हेयर, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो ये सिंस जो लगा है यहाँ पे, ये वही चूंके के तौर पे है और बिल्कुल फॉर की जगह लगा है। लेकिन ये वाला इस्तेमाल जो मैंने अब किया है ये इतना ज़्यादा आजकल प्रचलन में नहीं है। तो फिर भी अगर कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो ये आसानी हो जाएगी आपके, अक्सर ये वाक्य के शुरू में मिलेगा आपको। ये वैसे ओल्ड स्ट्रक्चर है बहुत, अब इस तरह का यूज़ होता नहीं है। पहले इसे लिखिए, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपके कि कंजंक्शन दो चीज़ों के, दो सेंटेंस के बीच में आता है, प्रेपोजिशन तो आता ही उसमें है। बहरहाल हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन था वो ये था कि एक ही वर्ड जब कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, और जब वो एज ए प्रेपोजिशन या एज ए प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इस मामले में कि जब इंग्लिश से हमें हिंदी बनानी पड़ती या समझना पड़ता है तो हम इन लफ्ज़ों में उलझ के रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे उलझ सकते थे है ना, यहाँ पे भी उलझ सकते थे, और वो आफ्टर बिफोर वाले में या कौन सा था वो फॉर वाले में, उसमें उलझ सकते थे। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग देता है। बाकी कल देखेंगे अब।